दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग को मेरे पेट्स ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में होने वाला है कुछ खास, इसीलिए आने वाला है दोस्तों वीडियो में बहुत मजा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखें। आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों मैं एक न्यू पेट लाया हूँ जो कि आप लोगों ने दोस्तों थंबनेल देखकर तो जान गए होंगे। तो उसको मैंने क्यों लाया दोबारा दोस्तों, ये जानने के लिए आप वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ आप हमारे रैबिट्स को देख सकते हो, ये सब फिर से बच्चे देने वाली है। दोस्तों बहुत जल्द ही बच्चे डिलीवर करने वाली है। बच्चे दोस्तों 21 दिन के हो चुके हैं, 21 दिन के दोस्तों हो चुके हैं बच्चे, एंड जल्द ही वो 1 महीने के पूरे होने के बाद ये भी दोस्तों कुछ दिनों के बाद बच्चे देना कर देंगी स्टार्ट, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये बहुत ही जल्द बच्चे देंगी, एंड ये तो अभी गड्ढे उड्ढे करना दोस्तों स्टार्ट नहीं की है, एंड तब भी दोस्तों कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे करना स्टार्ट कर देंगी। एक बात बता दूं, वो जो आप देख रहे हो मेल रैबिट वो ब्लैक कलर का, वो इसको बहुत काटता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, ये आप देख सकते हो कितना दोस्तों काट लिया है। ओ नो, तो मैं आज जाकर ध्यान दिया हूँ, पता नहीं वो कब से दोस्तों इसे काटता था, एंड देखिए कितना घाव हो चुका है। ओ माय गॉड दोस्तों, मैं अभी दोस्तों ये सूख भी चुका है कि मतलब अभी ताज़ा घाव नहीं है, ये बहुत दिनों का घाव है। इस साइड भी है। ओ नो दोस्तों, मैं इतना घाव देखा ही नहीं था इसको। ये आप देख सकते हो इस साइड भी उतना ही घाव है जितना इधर है। तो पता नहीं दोस्तों ये क्यों ऐसा करते हैं। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा इन लोग का दोस्तों कैसे मैं ठीक करूं ये इलाज। दोस्तों एक दूसरे की लोग फाइट करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। अगर आप लोग को पता हो तो आप दोस्तों ज़रूर बताएगा, क्योंकि बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मामला है। क्योंकि मतलब जो भी मेल होते हैं ना, अगर इन लोग के साथ अगर आप और मेल रैबिट्स को रख दो तो ये लड़ाई कर दोस्तों एक दूसरे को मार देते हैं। तो जैसा कि ये मुझे लगता है ये कमज़ोर रैबिट है, ये उससे जीत नहीं पाता है, एंड उसी का फ़ायदा उठाकर ये देखिए कितना काट दिया इसे। दोस्तों अगर आप लोग को मालूम हो कि इस इलाज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो कि मेल रैबिट दोनों रैबिट लड़ाई करते हैं और उसे बहुत ही चोट पहुंचा देते हैं, तो अगर आप लोग को इसका सोल्यूशन पता होगा कि कैसे करने से ये ठीक होंगे, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दूं रैबिट्स के बच्चों का केज मैंने कर दिया है चेंज। यहाँ पे हैं रैबिट के सभी बच्चे, एंड रैबिट के इन लोग के जो बच्चे हैं ना, इन लोग के केज में मैंने किस पेट को रखा है दोस्तों आप लोग को वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ बच्चों को। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये सब खेल कूद रहे हैं। यहाँ पे रैबिट्स के बेबीज हैं, ये आप देख सकते हो। बाहर निकलना है, अभी बाहर निकालूंगा नहीं मैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये सब मेरे पाँव के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान दे कर जब मैं इन्हें छोड़ता हूँ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई इनके कचर ना दे इन्हें, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे बहुत छोटे छोटे हैं और ये पैर के नीचे तो सबसे पहले आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये निकलने के लिए बहुत ही उछल रहा है, तो मैं अभी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा दरवाज़ा है इसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये निकलने के लिए बहुत उछल रहा है, एंड आप लोग तो जानते ही हो मुझे बहुत ध्यान देकर इन्हें घुमाना फिराना पड़ता है, क्योंकि ये दोस्तों पैर के नीचे आ जाते हैं। तो मैं बिना देरी किए इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ। फिर से इस केज में मैंने दोनों रैबिट्स को रख दिया है। अभी दोस्तों ये बाल उल नोचना नहीं स्टार्ट किए, अभी इतने जल्दी ये बच्चे दोस्तों नहीं देगी। तो मैं क्या करता हूँ इन लोग को दोस्तों, मुर्गों को अब खोल देता हूँ। इन लोग को खोलने का समय आ चुका है, एक बार मैंने खोल कर इन्हें बंद कर दिया था, एंड अब फिर से ओपन कर दे रहा हूँ। या आप देखिए बारी बारी करके सभी मुर्गे निकल रहे हैं, एंड दोस्तों आज मुझे एक अंडा मिला है केज के अंदर, एक अंडा दोस्तों, एंड ब्लैक वाली नहीं निकल रही है। तो अभी देखा जाए दोस्तों वो क्यों नहीं निकल रही। ओ तो दोस्तों अभी निकल रही है, जस्ट देखा जाए दोस्तों ये अंडे दी है या नहीं। यहाँ पे थी नहीं दोस्तों, यहाँ पे अंडे अभी नहीं है। और दरवाजे को मैं दोस्तों बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ यहाँ पे घुस जाती हैं। अपने फिंचेस को ठंड की वजह से पानी नहीं दे रहा था उन्हें, तो आज मैं दे देता हूँ, क्योंकि आज मैंने फिर से उन्हें बाहर रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा दोस्तों धूप है, तो मैं आज इन्हें पानी देता हूँ। देखिए दोस्तों ये पीती हैं या नहीं। A few moments later. दोस्तों मैं फिंचेस को पानी दे दिया हूँ यहाँ पे, अभी कोई पानी पी नहीं रहा है। अभी दोस्तों इन लोग को पता नहीं होगा ये पानी है, तो आइए मैं देखता हूँ ये पीती है या नहीं। Hello.
देख सकते हो दो फिंचेस पानी पी रही हैं। एक दोस्तों ये स्पीच फिंचेस, एक इंडियन फिंचेस, और मुझे लगता है दोनों लोग का दोस्तों जोड़ा इंडियन एंड स्पीच का दोस्तों दोनों फिंचेस का जोड़ा लग चुका है। आप देख सकते हो कैसे एक साथ दोस्तों पानी पी रही हैं। एंड दोस्तों ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अब मेरी फिंचेस को दोस्तों ये देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद आज दोस्तों पानी रखा हूँ एंड पी रही हैं ये सब दोस्तों फिंचेस। अभी कुछ फिंचेस दोस्तों नहीं पी रही हैं, दो तीन फिंचेस ही जैसी दोस्तों पानी को पी रही हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग दोनों लोग दोस्तों यहाँ पे चावल को खा रहे थे एंड स्पीच फिंचेस चला गया। दोस्तों ये देखिए इंडियन फिंच यहाँ पे है एंड देखने में दोस्तों ये सब बहुत प्यारी लग रही है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपने कबूतर को दोस्तों जो मैंने लाया हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो सभी लोग दीवार पे चढ़ के दोस्तों बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए मैं बिना देरी के आप लोग को कबूतर को दिखाता हूँ एंड बताता हूँ दोस्तों ये मैंने क्यों लाया है। A few moments later. यही है कबूतर, ये आप देख सकते हो दोस्तों ये कबूतर है एंड इसके पैरों में दोस्तों मैंने रिंग भी पहनाया हुआ है। अभी मैं इसे निकाल कर दोस्तों आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको इस कबूतर को अच्छे तरीके से दिखाता हूँ एंड आप लोग बताइएगा दोस्तों ये जंगली कबूतर है कौन सा कबूतर है। दोस्तों मैंने लाया, मुझे मन किया दोस्तों, मैं सोचा मैं फिर से इन्हें रखूंगा तो वो बताया कि जंगली कबूतर जैसा दिखता है पर ये जंगली कबूतर है नहीं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं पूरा आपको दोस्तों अच्छे तरीके से दिखाता हूँ एंड इसकी आँखों को दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये जंगली कबूतर है या कौन सा कबूतर है, या आप इसकी आंखों को देख सकते हो किस प्रकार से एंड इसके नाक को आप देखिए। अब दोस्तों इसके पर को भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके पर को आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा कबूतर है, यहाँ आप इसके पर को देखिए एंड इसके पंजों मैंने दो रिंग पहराया हुआ है, एक ब्लैक एंड एक ग्रीन। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ये जंगली कबूतर ही है या जंगली कबूतर जैसे दिखने वाला अच्छे कबूतर। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जंगली कबूतर है या जंगली कबूतर दिखने वाला दोस्तों कोई अच्छा कबूतर है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।